अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 28 नवंबर 2019 के, हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले और बात करेंगे सीधे तौर पर शिक्षा मित्र वर्सेस बीएड। जी हाँ दोस्तों, अब ये जंग आपकी शिक्षा मित्र वर्सेस बीएड हो चुकी है। कल क्या हुआ था पूरा कोर्ट में दोस्तों, पूरी सही बातें आपको दिखाने वाले हम लोग। और दोस्तों देखिए, जाने आज किस समय सुनवाई शुरू होगी। पहले दोस्तों इस पर भी डिस्कशन होगा कि आज जो आपकी सुनवाई होगी वो दोपहर लंच के बाद ही होगी, आफ्टर लंच, ठीक है, पहली बड़ी अपडेट। उसके बाद दोस्तों बात होगा कि क्या हो सकता है जज साहब का फैसला। जी हाँ दोस्तों, जो इस समय चल रहा है मैटर, कल आपने देखा होगा बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र, तो दोस्तों उस पर जज साहब का क्या फैसला हो सकता है, पूरी कोर्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं अभी क्या होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, पहले पूरी कोर्ट अपडेट देखें। जी हाँ दोस्तों, कल सभी बच्चों ने कोर्ट अपडेट को तो देखा लेकिन उसको सही से एनालाइज नहीं किया। देखना और एनालाइज करने में अंतर होता है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, यह पहले से प्लान था कट ऑफ मुद्दे पर कोई पक्ष बात नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में चाहे सिंगल बेंच में देखा हो, चाहे डबल बेंच में देखा हो, चाहे कहीं पर भी देखा हो, चाहे लास्ट कल भी देखा होता, कोई भी दोस्तों पक्ष कट ऑफ मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। कुछ ना कुछ नया मुद्दा होता है, क्योंकि देखिए विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज में आपका साफ साफ लिखा है कि कट ऑफ को लेकर कोई बात ही नहीं हुई है, तो इसमें कट ऑफ मुद्दे पर बात ही क्या की जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आपको कुछ उसमें लिखा ही नहीं है तो बात क्या होगी। या दोस्तों अगर हम कभी कभी आपसे पूछे, कुछ बच्चे होते हैं ना जो हिंदी इंग्लिश में बना कर लिख के आते हैं पेपर में, जबकि उन्हें उनका नाम भी नहीं पता होता कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, तो दोस्तों वही एक कला होती है, तकनीक होती है, ठीक है ना, कैसे अपनी टीम को जिताना है। उसके बाद दोस्तों कल की सुनवाई के बाद किसकी टीम मजबूत, इस पर भी डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो कल की अपडेट थी उसको देखते हैं जरा। कल की सुनवाई में बीएड और 60/65 कट ऑफ दोनों के लिहाज से चिंताजनक रही। जी हाँ दोस्तों, पहली बात ये, बार बार निवेदन आग्रह सभी से अपील करने के बावजूद आज भी कोर्ट में कोई सीनियर वकील मौजूद नहीं रहा, जिसका गंभीर खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज स्वयं इरशाद सर ने नियमावली में बीएड के शामिल होने करने के संशोधन मुद्दे बीएड एज ए ट्रेनी टीचर पर कह दिया, दिस इज ए सीरियस मैटर। सोचिए दोस्तों, ये आपके इरशाद सर मतलब जज साहब ने कहा, जबकि यदि आज कोई सीनियर मौजूद होता तो शायद यह स्थिति नहीं आती, क्योंकि आज पंकज सर और इस्तार सर द्वारा स्वयं कई बार उपेंद्र मिश्रा जी को टोका गया कि बीएड मैटर पर नहीं कट ऑफ पर अपनी आर्गुमेंट रखें। देखिए दोस्तों, हमने फिर से बोला कि कोई भी पक्ष कट ऑफ मुद्दे पर बात नहीं करेगा, चाहे 60/65 टीम रही हो, चाहे 40/45। फिर दोस्तों क्या होता है, इसी समय यदि कोई सीनियर भी ऑब्जेक्शन करता तो दोस्तों संभवतः वो इस पर आगे नहीं बोल पाते। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा ना टीवी में, पिक्चरों में कैसे ऑब्जेक्शन किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, लेकिन लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि उपेंद्र मिश्रा जी अपने मकसद में कामयाब हो गए। बहुत ही अधिक लीगल टर्म में न जाकर इस बात को आप इस तरह समझिए कि उपेंद्र मिश्रा जी ने यह कहा कि चूंकि सरकार का सबमिशन है कि संख्या बढ़ने के कारण कट ऑफ अधिक लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह कहा था कि भाई 68,500 में 1,25,000 बच्चे थे, इस बार 4,10,000 समथिंग बच्चे हो गए, मतलब संख्या लगभग 4 गुना बढ़ती है। और दोस्तों सिंगल बेंच के ऑर्डर में जस्टिस चौहान ने जो बीएड के लिए टिप्पणी की उसके संदर्भ में अपने आर्गुमेंट में कहा है कि जिस बीएड के कैंडिडेट के कारण संख्या बढ़ रही है, क्या उसे तत्कालीन नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक पद के लिए उचित तरीके से एटीआरई परीक्षा में शामिल किया गया है। इस पर उपेंद्र मिश्रा जी के बीएड विरोधी आर्गुमेंट से जज साहब सहमत दिखे और इरशाद अली सर ने उपरोक्त गंभीर टिप्पणी भी की। इस तरह आज मिश्रा जी का मेन आर्गुमेंट यह रहा कि बीएड की संख्या के कारण ही कट ऑफ अधिक लगाई गई है, तो उसकी वैधता के संदर्भ में 60/65 कट ऑफ सस्टेन नहीं कर सकते। फिर दोस्तों सीनियर वकील के अभाव में आज केस में आगे चल रहे सभी 90-97 समर्थक के लिए एक तरह से बैकफुट पर आने जैसे हालात पैदा हो गए। देखिए दोस्तों, जो चीज हो रही है कोर्ट में हम आपको बता दें, ये पहले से प्री प्लांड है, चाहे किसी की टीम भी रही हो, कट ऑफ मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करेगा। रीजन दोस्तों फिर आपको बता रहे कि आपके शिक्षा मित्र पक्ष रहेगा दोस्तों, चाहे तो वो ये कहेंगे कि ये इनके पास अंतिम मौका है और आने वाले समय में इनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि दो शिक्षक भर्ती में ही इन्हें मौका दिया जाएगा। एक तो इनकी आयु में छूट दी गई है, दूसरी इनको 25 अंक का 12 अंक, ठीक है। तो ये अपने पक्ष में दोस्तों बात करेंगे, आप ये मत कहिए कि इसको सिंपैथी कहिए या कुछ भी कहिए, मतलब सहानुभूति दोस्त ये नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बस वही बात है, क्योंकि इनको तो पहले नौकरी मिल चुकी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट इन्हें कभी निकालता ही ना तो कभी ये नौकरी आती ही ना, समझ रहे ना, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला ना होता तो नौकरी ना आती है वाली। जो 69,000 इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती चल रही है, 68,500 हो चुकी है,
तो इनकी भी दोस्तों पहले से प्लान था कि हमें इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अब 60-65 टीम को देखना होगा कि ये डिफेंस कैसे करते हैं, कैसे बचेंगे अब इस मुद्दे से, ठीक है? क्योंकि दोस्तों 60-65 टीम ने ये सच में सीरियस बात हो जाती है कि अगर, देखिए दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि भाई वो भी अपडेट्स पाते रहे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे दोस्तों इस समय कि जो आपकी 60-65 टीम थी या सरकारी पक्ष था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि बीएड के बच्चों के कारण ही कट ऑफ को बढ़ा दिया गया। बीएड के बच्चे आए, संख्या बढ़ गई। अगर बीएड के बच्चे ना आते तो शिक्षक भर्ती में कितने बच्चे होते, कुछ अंदाजा है आपको? वही दोस्तों तकरीबन 1.25 लाख या 1.5 लाख के करीब बच्चे होते, मतलब उससे ज्यादा ना होते, 1 से 1.5 लाख के बीच में। तो बीएड अगर ना आता तो इतनी बड़ी संख्या ही ना होती, पहली बात, ये बात आप समझ रहे हैं। तो फिर बीएड के दोस्तों वजूद पर सवाल उठ जाता है कि कैसे, क्या ये लीगल तरीके से अंदर आए, कि इनको जबरदस्ती अंदर लाया गया है, कि क्या क्या किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बात तो साफ है कि यहाँ बीएड बाहर नहीं होगा, पहली बात, ठीक है? इसको लेकर परेशान नहीं होना है किसी को, लेकिन दोस्तों ये बात घुमा फिरा कर आती है कट ऑफ के मुद्दे पर, ठीक है ना? वो तो दोस्तों खाली दिखावा है कि बीएड के मुद्दे पर भटकाया जा रहा है आपको कि यार बीएड को बाहर करने की साजिश तो नहीं है कि बीएड बाहर हो जाएगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा क्या दोस्तों, ये कट ऑफ मुद्दे पर ही बात हो रही है, ये बात दोस्तों घुमा फिरा कर 40-45 पर ही आ जाएगी। आप देखिएगा अगर आज की जो सुनवाई होगी उसमें दोस्तों देखिए कुछ और भी बातें होती रहेंगी, तो आज की पूरी अपडेट आप लोग जरूर देखिएगा शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि दोस्तों इससे आप लोग भी काफी एनालाइज कर सकते हैं कि जब आपका क्या फैसला हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो बच्चे कानून के विशेषज्ञ होंगे या जिन्होंने LLB कर रखा हो या कुछ पढ़ाई कर रखी होगी, उनको काफी अंदाजा लग जाएगा कि क्या फैसला आ सकता है। अब दोस्तों जो बच्चे मैथ के, जैसे अगर आप मैथ बहुत अच्छी आती है तो मैथ के कोई भी सवाल अगर आप देखेंगे तो आप उसको एनालाइज करके बता सकते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। तो जो बच्चे भाई कानून के बारे में जानते होंगे वो बच्चे भी बता सकते हैं कि हाँ आखिर इसका फैसला क्या आ सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि आप देख रहे होंगे जो भी लीगल टर्म पर बात की जाएगी, जो भी एविडेंस दिए जाएंगे, उसी के आधार पर कोर्ट फैसला लेती है। लेकिन दोस्तों अभी हम इसको डिसाइड अभी नहीं कह सकते कि क्या फैसला होगा, क्योंकि अभी 40-45 टीम का सबमिशन हुआ नहीं है। होगा, ये बात समझिए, अभी 40-45 टीम का सबमिशन हुआ नहीं है। जब दोस्तों ये सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा, देखिए सुनवाई आजकल लगातार हो रही है, एक अच्छी बात, लेकिन समय पर्याप्त तो नहीं मिल पा रहा। दूसरी बुरी बात, बुरी बात दोस्तों क्या है कि ये केस अगर 2:15 से टेकअप हो जाता दोस्तों, शुरुआत होती सुनवाई, तो मतलब दोस्तों एक अच्छा समय मिलता, मतलब 2 से 2.5 घंटे का समय होता तो दोस्तों काफी कुछ सुना जा सकता था। लेकिन आप देख रहे होंगे 3 बजे के बाद ये केस शुरू होता है तो सुनवाई ज्यादा लंबी हो नहीं पा रही। लेकिन आज पूरी दोस्तों उम्मीद है कि जो 40-45 की टीम है फिर से दोस्तों वो यही बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर, जो उनका पक्ष है शिक्षा मित्र का, मतलब वो बीएड को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि अब उनके पास भी कुछ बात करने को रहता नहीं। अब देखा होगा आपने 60-65 टीम ने भी कटाव के मुद्दे को छोड़कर सरकार की पावर को ज्यादा फोकस किया, विज्ञप्ति को ज्यादा फोकस किया, 68,500 और से 69,000 पर ज्यादा बातें हुई। वो भी समझ रहे थे कि कट ऑफ मुद्दे पर हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, बोले क्या, क्योंकि कट ऑफ को लेकर कुछ बात पहले कही नहीं गई है। तो सभी लोग दोस्तों अपना पक्ष छोड़कर कुछ ना कुछ नई बातें करते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे यार ये क्या बात हो रही, बकवाती, कोई मतलब ही नहीं आर्ग्यूमेंट का। दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा मतलब है, ये दोस्तों आपको फाइनल में समझ में आएगा। जैसे आप लोग पिक्चर देखते होंगे ना, कहाँ से कहाँ चलता है, कहाँ से कहाँ चलता है, और लास्ट में आप समझ में आता है कि पूरी स्टोरी है क्या। तो दोस्तों जब ये केस का फाइनल आने लगेगा तब आप समझ जाएंगे, अच्छा ये बात थी, इसको घुमा घुमा कर ऐसा कहा गया। तो दोस्तों ये सब पूरा मामला चल रहा है, और देखिएगा इसमें बीएड को बाहर करने वाली कोई बात नहीं हो रही है, बात होगी दोस्तों लास्ट में आके कि कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्र का पक्ष पता है कि अगर हम 40-45 कट ऑफ करा लेते हैं तो अधिकांश शिक्षा मित्र इसमें नौकरी पा जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, लेकिन और हम बताएं सच्चाई कि जो बच्चे 60 और 67 नंबर भी नहीं पा रहे, 40-45% कट ऑफ का मतलब है आपका 60 और 67 नंबर, ठीक है? वो बच्चे चाह रहे हैं कि यार उससे भी कम पर बात की जाए, ठीक है? 60-67 नंबर भी अगर आपके नहीं आते दोस्तों, फिर हम नहीं कह सकते कि आप लीगल हैं कि लीगल हैं, क्योंकि आपका इलाहाबाद जो बेंच का फैसला है तो वहां पर 0 कट ऑफ को लेकर बात कही गई। अगर एक बार सोचिए कि 0 कट ऑफ हो जाएगी तो क्या होगा। अब दोस्तों देखिए 0 कट ऑफ को लेकर अभी इस बेंच में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की गई कि यार उसमें विज्ञप्ति में कुछ लिखा ही नहीं तो कट ऑफ को शून्य क्यों ना कर दिया जाए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन फिर शिक्षा मित्रों की तो समझ लीजिए एक तरह से होली दिवाली सब कुछ एक साथ होगी, मतलब खुशखबरी आएगी कि उनके हर एक शिक्षा मित्र को नौकरी मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन दोस्तों उन बच्चों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी होगी, जो बच्चों ने तैयारी अच्छी की है, खाली देखिए दिक्कत पता कहाँ से आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं ना शिक्षक भर्ती में, जो बच्चे 110 नंबर भी ला रहे हैं लेकिन उनके एकेडमिक अच्छे नहीं है, जिसके कारण से वो शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। जैसे एकेडमिक उनके 24 110 नंबर है,
44 प्लस 24 होगा दोस्तों, जो कि 68 नंबर तक बनेगा। अब 68 नंबर अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी जब 40-45 कट ऑफ लग जाएगी। अगर 60-65 कट ऑफ लगती है तो आप नौकरी पा जाएंगे। तो कंफ्यूजन काफी बढ़ता जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, जैसे अपडेट निकल कर आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शिक्षा मित्र वर्सेस बीएड सबसे बड़ी जंग चल रही है, तो आज दोपहर से ये हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए लाइव होगा। और दोस्तों देखिए, हम आपको पल पल की रोज की अपडेट देते रहते हैं। और एक काम कर सकते हैं आप लोग, लिंक कमेंट बॉक्स में दोस्तों हम आपको एक लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप लोग लाइव कोर्ट जो अपडेट आती है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों उस समय आप लोग वेबसाइट पर आएंगे उसको रिफ्रेश करते रहेंगे पेज को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा देर वेट करेंगे उसके बाद सुनेंगे समझेंगे तो ज्यादा सही रहता है। तो वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों हम आपको लाइव अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों जैसे लाइव कोर्ट अपडेट का सीजन शुरू होगा हम आपको अपडेट करना शुरू कर देंगे। फिलहाल वेट करिए और शिक्षा मित्र वर्सेस बीएड देखते हैं आज क्या होता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।